Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग जा रहे हैं Prison Break. तो ये स्टोरी है एक ऐसे स्टिकमैन की जो कि बैंक में चोरी कर रहा था और फिर बेचारा पकड़ा गया और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया. बट आज के सारे वीडियो में हमें अपना शार्प माइंड लगा के उसको प्रिजन से, जेल से बाहर निकालना है. मतलब इन सब कामों में तुम्हारा भाई फुल एक्सपर्ट है, लेकिन ये जो बनना है ना स्टिकमैन, ये थोड़ा सा अजीब है. खैर ठीक है, हम लोग फुल ट्राई करते हैं और इसको पुलिस से बचाते हैं. 10 days left. क्या एक सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की जेल हुई थी और इसको एस्केप करना है? क्या ठीक है, बंदा थोड़ा अजीब है. इसकी शक्ल देख रहे हो तुम, यही है स्टिकमैन. अपने पास बाहर निकलने के लिए 3 ऑप्शन है. या तो मैं अपना दीवार में सर भेड़ के दीवार तोड़ दूं, या फिर ये क्या प्लेट है क्या खाना मांगने के लिए? सेकेंड ऑप्शन नहीं समझ आ रहा. थर्ड ऑप्शन लेकिन मुझे मुक्का दिख रहा है. देख भाई, मुक्के से जिस हिसाब का तेरा शरीर है ना, माचिस की तिल्ली जैसा, तू एक काम कर, ये खाना मांग. तू खाना मांग, पहले खाना का. अच्छा ये ईंट थी. हाँ, ईंट से टूट जाता, लेकिन शोर हो गया पीछे, देख. ये पिटेगा भाई. फेल हो गया भाई फर्स्ट आते ही. कोई बात नहीं, अपने पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं. मैं सर भेड़ सकता हूँ या मुक्का मार सकता हूँ. वैसे इसका मुक्का यार सच में कमजोर है. सर भेड़ भाई, तू सर तेरा बड़ा दिख रहा है मुझे. वैसे हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए पता चला. अबे अगर अभी इसके सर से नहीं फूटा तो अगर ये मुक्के से फूट गया ना भाई, मैं नहीं खेलूंगा. बट हाँ, अभी ऑप्शन ही एक बचा है तो मैंने मुक्का सिलेक्ट कर दिया. भाई इससे तूने तोड़ा ना, तू एक दो नहीं होगा तेरे से. नहीं, पैस की टांग यार, ये गेम कुछ भी है ये? इस लकड़ी जैसा बंदा कैसे तोड़ सकता दीवार? अब जब हाथों में इतनी जान थी तो जब पुलिस पकड़ रही थी उनके मारता ना मुक्के, अजीब ही है. ओके नेक्स्ट लेवल, दीवार तोड़ के हम लोग बाहर आ गए हैं. भर बाहर एक कुत्ता है. मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं इसे हड्डी दे दूं, या आलू दे दूं, या इसे मीट दूं. वैसे आलू इसमें उल्टा ही होता है तो मैं इसे आलू दे के देखता हूँ. भाई ये ले भाई, आलू खाएगा? आलू ये ले, खा जा. अबे इग्नोर कर दिया भाई. गोली लेकर आ गया वो. मैं इसको हड्डी देकर देखता हूँ, क्या पता. अच्छा इसको हड्डी दिखा के हम लोग दूर फेंक सकते हैं क्या? यस, हड्डी दूर फेंक दी, कुत्ता चला गया, अपना रास्ता क्लियर है. ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग सही है मेरा इसके अकॉर्डिंग. सीटी बजाता बजा रहा बदतमीज. लेवल 3, हम लोग वहां से निकल कर छत पर आ चुके हैं, बट बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है. या तो मैं एक लकड़ी लगा लूं, या रस्सी से लटक के नीचे उतर जाऊं, या फिर सीढ़ी लगा के दूसरी बिल्डिंग. वैसे एक सेकंड यार, दूसरी बिल्डिंग पे जाऊंगा, वहां अलग सिक्योरिटी. रस्सी से नीचे उतर तू. अबे रस्सी से उधर नहीं जाना ओए कलाकार, मेरे को लगा नीचे उतरने के लिए. ये गिरेगा, मेरे को लगा नीचे जाएगा यार, उधर ही जाना था तो सीढ़ी है ना. तो अभी मैं यहाँ पर सीढ़ी लगा रहा हूँ और शायद इससे हम लोग दूसरी बिल्डिंग पे सही सलामत पहुंच जाए. यस पहुंच गए, इजी है भाई. सारी उल्टी हरकतें करने के बाद ये नाचता है ना, वो सबसे घटिया लगता है. ओके नेक्स्ट लेवल, और अभी हम लोग शायद से वॉशिंग एरिया में आ चुके हैं जहां पर कपड़े वगैरह धुलते हैं शायद सारे प्रिजनर्स के. तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं कपड़ों के बीच में छुप जाऊं ताकि जब वो उठा के ले जाए तो मैं मिक्स होकर दूसरी साइड चले जाऊं, या फिर मैं वॉशिंग मशीन में जाकर देखते हैं. मुझे पता है गड़बड़ होने वाला है, बट ठीक है आराम से हम लोग धुल ले और फेल. मेरे को पता था, मैं रिस्क ले रहा था क्योंकि इस गेम में सारे उल्टे सीधे काम ही होते हैं. बाकी लास्ट ऑप्शन ये है कि मैं इस ट्रॉली में बैठ जाऊं, छुप जाऊंगा ना, लोग ट्रॉली दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो गार्ड को पता नहीं चलेगा. वो बहुत ही बढ़िया, बहुत सही हो गया भाई. इजी है यार, इजी है मतलब. ओके लेवल 4 का ये पार्ट 2 है. अभी हम लोग बाहर तो आ चुके हैं, बट सीन ये है कि यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर एक जाली लगी हुई है, इसके उस पार जाना है. तो मैं दरवाजे से जाऊं, या फिर उस पर चढ़ के, या फिर उस पार छलांग मार दूं. उसमें करंट हो सकता है तो डायरेक्ट छलांग मार अगर कर सकता है तो. मेरे को लगता नहीं है इतना ऊंचा कूद पाएगा. देख भाई गिरियो मत, बढ़िया कर रहा है. कूद जा. वो तेरी भाई. एक वही सक्सेस भाई, इसमें कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, इतनी ऊंची जंप. मतलब बंदे में इतनी स्किल है तो ये चोरी क्यों नहीं कर पाया यार. ऑलराइट, तो मैंने जेल से तो एस्केप कर लिया है, बट इस टाइम मैं आया हूँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, पर सामने पता नहीं कोई बॉडी बिल्डर है भाई. इसकी एक बारी बॉडी देखना ध्यान से, क्या है ये? पर जो भी हो भाई हंसना नहीं है क्योंकि अपना बंदा बहुत डर रहा है, इससे उसके पसीने छूट रहे हैं. कोई बात नहीं, लड़ाई करके देख भाई, मुक्का मार इसके मुंह पे. ये उतरी भाई, हो गई बढ़िया, दिख ही नहीं रहा. बराबरी हुई है भाई, हम पिटे नहीं है. अब मैं लड़ाई नहीं करने वाला. मेरे पास एक ऑप्शन है सिगरेट का और एक ऑप्शन है मोबाइल का. मोबाइल से क्या बंदे बुलाऊंगा क्या? बुला. अच्छा अपना मोबाइल देना. अरे नहीं जी, मोबाइल छीन ले यार. देखो देखूंगा बेटा बाद में, तू मिल यार. ये तो जी यार. ओके मैं रेस्टोरेंट में, यहाँ पर पूल, मतलब सब करना है. अभी जेल से भाग कर आया हूँ, सब खेलना है. अब
ओ नहीं, अभी मैं प्रॉपर भाग नहीं पाया हूँ, ये सामने सिक्योरिटी गार्ड ही है। मतलब मैं अभी भी जेल में ही हूँ, बट जेल की फर्स्ट क्लास में आ चुका हूँ शायद से। यहाँ पर अंदर जेल में टीवी, पूल, और जो बॉडी बिल्डर बंदा था उसने फोन भी छीन लिया, एक से एक बंदे हैं। बट अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास एक बॉल वाला ऑप्शन है, मुझको इसे डिस्ट्रैक्ट करना है। अरे मारना नहीं था, डिस्ट्रैक्ट करना था उसे। तो बस मुझे दरवाजे के उस पार जाना है और इसको डिस्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं लाइट बंद कर दूं, पर उसके हाथ में ना मेरे को एक डंडा दिख रहा है, वो डंडा कहीं टॉर्च ना हो तो अंधेरे में देख सकता है। बाकी एक ऑप्शन है कि मैं रिमोट के थ्रू टीवी चला दूं, तो क्या बताओ टीवी देखने लग जाओ और मैं चुपचाप से निकल जाऊं। तो टीवी चला दूं। अबे क्या सर, ओ भाई इजी, भाई इजी, वो अपना बंदा नजारे देख रहा है बीच के। पुलिस हो तो ऐसी हो भाई, नेक्स्ट लेवल। अभी मैं फार्मेसी साइड पर आ चुका हूँ क्या? अच्छा, सामने इधर वो प्रेयर करने के लिए रूम है, इधर ये हॉस्पिटल टाइप है और बगल में लैब है। मैं प्रेयर करने जाना चाहता हूँ भाई, मेरे को यहाँ से बस बचा लो। उधर तो पुलिस वाले ही हैं सारे के सारे। मैं नहीं नहीं अरे इधर मत मारो। बहुत गलत डिसीजन था। मैं काम करता हूँ, हॉस्पिटल मतलब फार्मेसी के लिए जाता हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई, डॉक्टर भी नहीं है। इतना साइलेंटली चलने की जरूरत नहीं है भाई। ओके, मैं बोला ही था, बस इसको देखो सीटी बजाता हुआ जा रहा है भाई, इतना भी शोर नहीं मचाना। तो अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड पे, और अपने पास यहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है। अब या तो मैं इस डॉक्टर के आके से भूत बन के निकलूं, या फिर डॉक्टर की ड्रेस पहन के निकलूं। इसकी ड्रेस पहन के निकलता हूँ यार, इसको पता भी नहीं चलेगा, इसको लगेगा मैं भी यहीं का डॉक्टर हूँ। हेलो डॉक्टर चार्ल्स, वो एक से उसके हाथ में क्या है? ये फेल क्यों हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला। तो डॉक्टर वाले ड्रेस में तो पकड़ा गया, मेरे को ऐसा लग रहा है भूत वाला पास होने वाला या फिर पिटाई कर देगा। मैं भूत बनी, ये क्या है यार, ये कुछ भी हरकत है, चुपचाप जाना, जरूरत पड़ने पर डरा। अभी तो घुस के डरा रहा है उल्टा। ओए इंजेक्शन मार दिया उसने। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास बचा ये नींद वाला स्प्रे। तो ये क्या था, ये नींद वाला स्प्रे है ना, मेरे को लग तो वैसे ही रहा था। यस बट अच्छा, हाँ सो गया वो, मस्त भाई, इजी है भाई, सारे लेवल्स इजी है अपने लिए। अभी हम लोग वेंट के थ्रू शायद आज के दिन हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अभी भी 3 दिन। भाई ये का टनल कहाँ जा रही है, चूहा? अब कैसे भी फाइट करने के लिए 3 ऑप्शन आएंगे। अबे यार, या तो मैं इसको चीज दे दूँ, या इसको पत्थर मार दूँ, या मुक्का मार दूँ। भाई तू चीज ले यार, तुम्हें ये खाना पसंद है तुम खाओ, ये ले, मैं जाऊँ अब। आपको हरकत नहीं होनी चाहिए भाई। यस गया वो। ओ भाई इजी, मतलब हर बार नहीं है जरूरत किसी को मारने की, कर सकते हैं हम लोग लेवल इजीली। परफेक्ट भाई, इस लेवल ने बैंड बजा दी थी सच में। ओके, तो उस जगह से निकलकर हम लोग एक दूसरे रूम में आ चुके हैं, और यहाँ पर जो ऑफिसर बैठा है वो तो वैसे बुक पढ़ रहा है। या तो मैं गिटार प्ले कर सकता हूँ, या म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, ये तीनों विनाइल डिस्क हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कौन से डिस्क से क्या होता है। अगर देखो मैं गिटार वाली बजाऊंगा तो शायद से वो उल्टा जाग जाएगा, ये ऐसा लग रहा है थर्ड वाली की जैसे सो जाएगा से सुन के। तो मैंने वाली विनाइल डिस्क लगाई है। अबे नहीं, अबे मेरे को अच्छा दोनों को चक्कर आ गए, चक्कर आने वाली थी ये। जी यार, ये तो इससे बेकार डिसीजन कोई भी नहीं होगा। मेरे को इस बार ये वायलिन है यार, गिटार नहीं है ये, शायद से जो वायलिन होता है ना ये गिटार है यार, उठ के पीटेगा मेरे को। ओ भाई भाई, मजाक कर रहा था मैं। अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है और मैं फेल नहीं हो सकता, इसको बजा, उसको सुला। सो गया भाई, ठीक है। क्या यार, कुछ भी हो रहा है इस गेम में। ओके, दूसरे रूम में आ चुके हैं, यहाँ पर ये ऑफिसर जो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, बस कॉपियां पड़े जा रहे हैं। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फैन चला दूं जिससे कि इसके सारे पेपर्स उड़ जाएं और ये बेचारों ने बटोरता रह जाएगा, या फिर मैं कॉकरोच भेज दूं। वैसे फैन वाला ऑप्शन बुरा नहीं है, बट कॉकरोच भेजते हैं, थोड़ा सा मस्ती करने का अलग फील है। ये कॉकरोच डाला, पता चला वो कॉकरोच से डरता ही नहीं है, उसको लात मत मार दियो। ऊपर गया कॉकरोच, ओ तेरी लात ने मुक्का जरूर मारा है। ठीक है, इस बार ही मैं फैन चलाता हूँ, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये भी कि मैं धक्का मार के गिरा दूँ। ओ ये सही था, उसके मुंह पे उड़ के चले गए पेपर, क्रेजी भाई। निकल गए हम लोग नेक्स्ट रूम में। यहाँ पर ही जो बंदा है ये क्या है, इसकी आंखें कहाँ है? अच्छा नहीं नहीं आंखें ही है, वो बहुत सीरियसली कुछ लिख रहा है। अब देखो इसका लिखने में ध्यान है, तो मेरे पास स्लिंग शॉट है जिससे कि मैं ऊपर का बल्ब फोड़ सकता हूँ ये वाला, या फिर मैं इसकी पेंटिंग जिसे देख के वो कुछ लिख रहा है वो गिरा सकता हूँ, या फिर एक वेस है। बल्ब फोड़ो भाई, बल्ब फोड़ो, बल्ब फोड़ने का अलग मजा, अंधेरा हो जाएगा यार मस्त एकदम। ये पटाख,
सॉरी तो गुस्से में आ गया भाई। तो लास्ट टाइम हमने बल्ब फोड़ा था, इस बारी मैं इस वेस्ट को गिराता हूँ। शायद ये वाला ऑप्शन अच्छा हो, बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ये ऑप्शन अच्छा होगा यार। अच्छा था वो, उसको चक्कर ही आ गया भाई। मेरे को तो लग रहा था इस बार ज्यादा पीटेगा, बट ठीक है। अबे एक सेकेंड, ये मैं वापस पिंजरे में कैसे आ गया यार? मैं तो बाहर नहीं, ये जो अंदर बंदा बैठा है ये शायद से कोई और है। बट हम क्यों नर्वस हो रहे हैं यहाँ पर? अपना तो कैरेक्टर पूरा डरा पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये पुलिस वाले को बता देगा या फिर इसको इसकी चिंता हो रही है? तो देखो तीन ऑप्शन है, शायद हमें इससे भी एस्केप करवाना है, हमें उसकी चिंता हो रही है पता नहीं क्यों। तो अपने पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं इस आरी से उसे काट दूं, या फिर चाबी पड़ी है चाबी से गेट खोल दूं, या फिर ताकत लगा के पिंजरा खोल दूं, जो कि मेरे को सबसे घटिया ऑप्शन लग रहा है। बट एट द एंड सही वही होगा, लेकिन मैं पहले चाबी वाला डिसीजन लूंगा। बगल में चाबी पड़ी है, खुल जाना चाहिए। यस खुल गया, बहुत सही। अरे लेट्स गो, सही है, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कभी कभार इसमें वो ही गलत हो जाता है फिर। तो अभी हम दोनों लोग दूसरा कहाँ गया? बट ना जो भी, अभी मैं अकेला आ चुका हूँ। उधर सामने एक पुलिस ऑफिसर नहीं बैठी हुई है, लिपस्टिक लगा रही है भाई, क्या चल रहा है? ये पक्का कॉकरोच से डरती होगी, तो मैं कॉकरोच डाल देता हूँ अब। लेकिन ये पता नहीं यार पुलिस वाले में। हाँ डर जा, मुक्का मत मारियो। ओ यस कुछ भी हो रहा है, कभी कभी गेम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है और कभी कभी अलग ही ट्विस्ट रहते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और साइड पर आ चुके हैं। बट वेट, हंस क्यों रहा है ये? कार्ड्स खेलने गए हैं, क्या चल रहा है? येल्लो ग्रीन रेड, मेरा फेवरेट कलर येल्लो है, तो मैं येल्लो चूज करूंगा। बट इसका मतलब, अरे खुल गया, बट ऐसा क्यों था? अच्छा उसमें येलो लाइट जल रही थी क्या? बट जो भी है भाई, लेवल क्लियर। बस अब दो लेवल और बचे हैं, हमारा प्रिजन एस्केप हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन है, सामने दरवाजा है लकड़ी का और उसके ऊपर थोड़ा सा एरिया खुला हुआ है, तो या तो मैं चढ़कर निकल जाऊं, या इसको जला दूं, या फिर लात मार के तोड़ दूं। मुक्के से दीवार तोड़ सकता, तो लात से तो दरवाजा भी तोड़ के दिखा, मुझे नहीं पता। तोड़ से तोड़ दिया भाई ये तो भी एक बार में सब हो रहा है। अबे ये एक सेकेंड, ये जेल है क्या? ये कहाँ पहुंच गए भाई? मकड़ियों के जाले क्या है ये? या तो मैं डंडी से जाले हटा दूं, या फिर जीप चढ़ा दूं मकड़ियों को, ये तो समझ नहीं आ रहा। या फिर जला दूं लाइटर से जलाते हैं। जला भाई तू, आग लगा दे मकड़ी के, जो कि सबसे गलत डिसीजन। वो जल गया भाई, जल गया, तू मत जल जाइए भाई, ज्यादा तेज आग लगी है तो हाँ, तो इस बारी मैं जलाने नहीं वाला हूँ, मेरे पास लकड़ी है। बट लकड़ी तो मेरे को बेकार डिसीजन लग रहा है, जीप चिढ़ाने वाला कुछ अजीब सा है, ये करके देखते हैं कुछ भी हो रहा है भाई, हो गया भाई पास समझ ही नहीं आया मेरे को। बट ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पर आ चुके हैं, जो कि बढ़िया है। अब अपने पास हमें ऊपर जाना है, और अपने पास सीढ़ी है, तो सीढ़ी से जाऊंगा मैं। बाकी ऑप्शन एक से, नीचे शवल है, शायद से शवल से खोद के दूसरी साइड। शवल सीढ़ी भाड़ में जाए, पता नहीं किसी गलत कमरे में ना ले जाए भाई। शवल मेरे को ठीक लग रही है, खोद बढ़िया कर रहा है। अरे वाह, कोई नीचे चूहे बिल्ली। मैं भाई अभी तो फुल तगड़ा हो चुका हूँ इस गेम में, लास्ट डे, और अभी मैं आ चुका हूँ इस जेल में अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर। तो बट यार बाहर वो पुलिस वाला कुत्ता लेके घूम रहा है। कैंडल से मैं रोशनी कर लूँ, या टॉर्च है, या फिर ये ग्लोइंग वाला क्या? टॉर्च ले यार, सीधी सी बात है, टॉर्च बढ़िया है। उठा टॉर्च, ये आई कहाँ से? अरे भाई करंट कैसे? कुछ भी इनको हरवाना है तो कुछ भी कर देते भाई। सीढ़ियाँ यहाँ सामने ही है यार, मुझे वहां तक पहुंचना है। कैंडल नहीं, ये पता नहीं क्या है, ये लेकर चलते हैं। कुछ तो ये जा रहा है जिसमें कुछ ग्लो कर रहा है, जुगनू पकड़ रखे हैं क्या? यस यस यस, बाहर निकल, बहुत सही, कुत्ते से कटवा देगा पुलिस वाला, ज्यादा मत कूद। अभी आगे मेरे को तीन लेवल्स और करने हैं इसमें। बट जो भी है, जार वाला एकदम करेक्ट था। हम लोग जंगलों में आ चुके हैं जेल से निकल के, और यहाँ पर वॉच टावर भी है जहाँ से लोग मेरे को देख सकते हैं। मेरे पास गन है, या मैं झाड़ी के पीछे छुपके जाऊँ, या गोली से उसे मार दूँ, या फिर जीप चिढ़ाऊँ। हर बार चलेगा क्या? जीप चिढ़ा, देखी जाएगी। चिढ़ा, अच्छा कुत्ता बन गया। ये क्या है, ये क्या था भाई? कुत्ता बनने की एक्टिंग करी थी वो, जीप नहीं चढ़ा रहा था। एक सेकेंड भाई, ये जेल थोड़ी हो रहा, पता नहीं क्या बना रखा है भाई। अब देखो यार, मेरे पास एक तीन, ओ वेट, ये तो दिमाग वाली चीज है। यहाँ पर एरोस चल रहे, यानी मैं पार करने का ट्राई करूंगा तो ये बॉडी में घुस जाएंगी। मेरे पास अब तीन ऑप्शन है, मुझे कोई एक वायर कट करना है, या रेड वाला, या ग्रीन वाला, या ब्लैक वाला। वैसे देखो यहाँ पर रेड कलर की लाइट जल रही है, तो मैं रेड वायर कट कर दूं। वायर तो देखो उधर तीनों ही लगी हुई है, बट रेड कट करने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि रेड लाइट भी है। रेड सही होना चाहिए, प्लीज कट कर। करंट लग गया भाई, वेट। ग्रीन वायर भी मेरे को सही नहीं लग रही है अब, तो मैं ब्लैक वायर कट करता हूँ, क्या पता इससे कुछ हो। करंट नहीं, प्लीज करंट नहीं। ओ
तो ये ब्लैक कलर के तीर है तो ब्लैक कलर का वायर, कोई सेंस नहीं बनाती है भाई ये गेम। बट जो भी है, मैं आ चुका हूँ अभी बाहर और यहाँ पर एक लास्ट बंदा खड़ा है AK-47 लेकर। अगर इससे निकल गए खत्म काम, बढ़िया हो जाएगा। मेरे पास ऑप्शन है, मैं ऐसे पत्थर फेंक के मारूं या फिर लकड़ी या फिर ये थर्ड ऑप्शन ये वाला ट्राई करते हैं, कुछ नया है, क्या पता है इससे वो डर जाए। ये ले ले, अभी वो तो घूम के मेरे पास ही आएगा, उसे पता ना। अच्छा मेरा लग ही गया, वाह भाई वाह। फेल, इतना घटिया फेल। तो लास्ट टाइम मैंने ये फेंक के मारा था जो कि वापस मेरे ही आके लगा था। अब इस बारी या तो पत्थर या लकड़ी, लकड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पत्थर मारो सर फूट जाएगा इसका, इससे मार मार मार। अरे बढ़िया भाई निशाना, अच्छा ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा था भाई, थोड़ा अच्छी सोच का बंदा है। इजी भाई, कर दिया गया एस्केप, लेट्स गो। ये लेकिन म्यूजिक कौन सा बज रहा है भाई, हेलो, ये जिसने गेम बनाया ना उसको म्यूजिक का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बट ठीक है, फाइनली हम लोगों ने इसको जेल से एस्केप करवा दिया है। तो चलो गाइस, आज के सारे वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे मालूम है कि काफी अजीब ऑप्शंस थे यार सारे, और ज्यादा अजीब थी इस स्टिक मैन की हरकतें। बट हां यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे भी जाके दबा दो, और कॉमेंट्स में जाके मुझे इस टाइप की भी आड़ी टेढ़ी गेम्स के नाम बताते रहा करो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।